एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल मानसिला स्पेशल। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिमांड वाला वीडियो है। आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी थी कि बॉलीवुड रेप्लिका साड़ी, अच्छे क्वालिटीज़ की साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेटेस्ट बहुत सारी ऐसी रेप्लिका साड़ी जो ट्रेंड कर रही है मार्केट में, वो मैंने आज पिक करी है क्लोथ्स विला वेबसाइट से। और इस वेबसाइट से मुझे जो भी साड़ियाँ रिसीव हुई हैं, इनकी क्वालिटी सारी सब कुछ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, इनके रेंज में आपको शेयर करने वाली हूँ, एंड इनको स्टाइल करके भी दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इसे स्टाइल किया है और आप किस तरीके से स्टाइल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे हेल्पफुल रील्स। तो फटाफट आ जाओ, फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे, और आप फॉलो कर सकते हो क्लॉथ्स विला को भी इंस्टाग्राम पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली साड़ी है गाइस मेरी मोस्ट फेवरेट रिद्मा कपूर की ये सीक्वेंस की साड़ी। ये एकदम कम्प्लीटली ऐसी ही लग रही है, देख सकते हो बिल्कुल रिद्मा ने जैसी साड़ी पहनी हुई है एकदम डिट्टो वैसी ही है और बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। और क्वालिटी की मैं बात करूँ तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है। इसमें जो जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ हुआ है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। सीक्वेंस भी आप देख सकते हो, इसमें दो तरह कलर के सीक्वेंस लगे हुए हैं जैसा कि रिद्मा की साड़ी में है। एंड इसके बाद आपको ब्लाउज़ भी उसी तरीके का मिल रहा है जैसा रिद्मा ने पहना हुआ है। लुक एट दिस, इस तरीके का आपको ये ब्लाउज़ मिल रहा है। आप चाहो सिलवाओ, ना चाहो मत सिलवाओ, दिस इज पर्सनल ओपिनियन आप लोग का है। इसमें इस तरीके की आपको ये साड़ी मिल रही है। जॉर्जेट फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है एंड यहाँ पे आपको लास्ट में पाइपिंग भी मिल रही है, देख सकते हो, जिससे कि इसकी जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड जो इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं बिल्कुल भी ऐसे सीक्वेंस नहीं है जो आपको हाथ में गड़ेंगे। बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे होते हैं ना, पहन लो तो कभी हाथ छिल जाता है, कहीं लग जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, उस तरीके के बिल्कुल भी सीक्वेंस नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के सीक्वेंस और मैंने स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है। सीक्वेंस साड़ी को हमेशा ही किसी सिंपल प्लेन सॉलिड कलर के ब्लाउजेस के साथ स्टाइल करोगे ना, बहुत ही अच्छे लगेंगे। ऑल द टाइम आप ये रूल फॉलो कर सकते हो, सीक्वेंस साड़ी को हमेशा सॉलिड कलर्स के साथ स्टाइल करो, बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि साड़ी खुद इतनी हैवी होती है तो ब्लाउज आपका जो होना चाहिए ना वो थोड़ा सिंपल होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा और क्लासी लगता है। और इसको आप परचेज कर सकते हो क्लॉथ्स विला की वेबसाइट से। ये एकदम ट्रस्टेबल वेबसाइट है, यहाँ से आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको साड़ियों की मिल जाती है। इसमें जो सीक्वेंस यूज हुए हैं उनकी साइज जो है वो 5 mm है और आपको जो इसकी प्राइस पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है 2000 रुपये। तो डेफिनेटली गाइज आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइस इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इनकी वेबसाइट पर आपको बहुत ढेर सारी रेप्लिका साड़ीज मिल जाती हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बजट रेंज में। तो डेफिनेटली आप इनके वेबसाइट से और भी साड़ियाँ परचेज कर सकते हो, लाइक साड़ी, लहंगा, व्हाटएवर जो भी आप लेना चाहते हो। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ओह माय गॉड, ये है कीर्ति सेनन की इंस्पायर्ड साड़ी, रेप्लिका साड़ी जो कीर्ति सेनन ने पहनी है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है और इसमें रबर प्रिंट आपको मिल जाता है, कुछ इस तरीके की ये साड़ी है। और ये कम्प्लीटली 100% रेप्लिका है, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है, ना ही कलर का, ना डिज़ाइन का, क्वालिटी का ज़रूर फ़र्क आएगा। क्योंकि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो साड़ियाँ पहनते हैं वो आती हैं 2-2.5 लाख से ऊपर की ही होती होंगी, ना जाने कितने हज़ार में बनती होंगी वो ही साड़ी बजट फ्रेंडली करके ये वेबसाइट आपको सेल कर रही है, ताकि आपको सेलिब्रिटी लुक क्रिएट करना है तो बजट में भी हम अपना सेलिब्रिटी लुक क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम तो नहीं बाय कर सकते ना 50,000 या 1 लाख की कोई साड़ी या कोई लहंगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसे हम बजट रेंज में रखना चाहेंगे। तो ये मिल रही है आपको बजट रेंज में। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके की साड़ी है रबर प्रिंट में, ऑर्गेन्जा फैब्रिक की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, प्लीट्स इतनी आसानी से बन गई हैं कि मतलब मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ा। वैसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक कभी कम प्राइस में बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ईजिली प्लीट्स बन जाती हैं और ईजिली आप देख सकते हो मेरी प्लीट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बन गई हैं। और इस तरीके की आपको ये रबर प्रिंट की साड़ी मिल रही है, बॉर्डर आपको मिल रहा है पूरा सीक्वेंस का कुछ इस तरीके का, बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर है और पहनने पर भी ये साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके साथ जो ब्लाउज आपको मिलता है वो मिलता है इस तरीके का सैटिन का, और इसका जो फैब्रिक है काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक की क्वालिटी जो है ब्लाउज की ये बहुत ही अच्छी है। इससे आप ब्लाउज अपना बनवा सकते हो, क्योंकि मैचिंग का इसमें पहनोगे तो ही अच्छा लगेगा। मैंने भी, मेरे पास इसी कलर में थोड़ा सा लाइट स्काई ब्लू कलर में एक क्रॉप टॉप था, उसके साथ मैंने इसे स्टाइल किया है। ये कपड़ा मैंने क्लोविया से बाय किया था और ट्रस्ट मी ये ब्लाउज मेरे बहुत काम आता है। इसकी जो प्राइस है, MRP है वो 3000 रुपीज, बट आपको डिस्काउंट
नोटबंदी के बाद मिल रहा है ओनली 2000 रुपीस की। तो डेफिनेटली गाइस आप इसे चेकआउट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि आपको इस वेबसाइट से जो भी परचेसिंग करते हो उसमें आपको हमेशा ये कैरी बैग मिलता है और साड़ी इसी के अंदर रैप होके आती है, तो आपको अलग से अपनी साड़ियाँ स्टोर करने के लिए कोई बैग खरीदने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक और रेडी टू वियर साड़ी, ये बहुत ही क्यूट लगी मुझे। कुछ इस तरीके की शिफॉन मटेरियल की साड़ी है, बट इसमें जरी वर्क भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से लाइनिंग्स दिखाई दे रही होंगी। इस तरीके की ये साड़ी आपको मिल जाती है। यदि हाइट में छोटे हो आप, लाइक 5'3" के आसपास हो, तो आप डेफिनेटली इस तरीके की बाय कर सकते हो। यदि इससे थोड़े छोटे हो आप, तो रेडी टू वेयर साड़ी की तरफ मत जाया करो। आप नॉर्मल साड़ी लो, आप अपने अकॉर्डिंग उसे पहन सकते हो। रेडी टू वेयर साड़ी में लेंथ का कभी कभी इशू आ जाता है, यदि आपकी हाइट कम है तो आप क्या कर सकते हो, आप रेडी टू वेयर नहीं, आप ओरिजिनल साड़ी लो। रेडी टू वेयर लेने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली वाली जो साड़ी होती है वैसी लो, जो सिंपल साड़ी होती है उसको प्लीट्स बना के अपने अकॉर्डिंग पहनोगे वो ज़्यादा फिट आएगी। आपकी हाइट कम है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो कुछ इस तरीके की साड़ी आपको मिल रही है, लेकिन इनकी जो रेडी टू वियर साड़ी है ना वो काफ़ी अच्छी है। लुक एट दिस, इस तरीके की बेल्ट इसमें बनी हुई है। कमर में आप यदि छोटे पतले हो, मोटे हो, कैसे भी हो, इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप हुक लगा सकते हो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मतलब कमर आपकी कितनी भी हो ये एडजस्ट कर लेगा बहुत आराम से। और कुछ इस तरीके की साड़ी है एंड साड़ी बहुत ही प्रिटी है, देख सकते हो। ये ओम्ब्रे प्रिंट में आपको मिल जाती है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कलर चूज़ कर सकते हो। और हाँ, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें हमें प्लीट्स नहीं बनाने, जिनको प्लीट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए ये साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे बाय द वे मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती साड़ी पहनने में, तो मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल वाली साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं रेडी टू वेयर के कंपैरिजन में। इसके साथ आपको जो ये ब्लाउज मिलता है वो मिलता है ये एक कॉटन मटेरियल का, आपको ये ब्लैक कलर का ब्लाउज पीस मिलता है। एंड प्राइस की बात कर लें तो इसका प्राइस है 1799 रुपीज़, और इस प्राइस रेंज में मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही है और क्वालिटी मेन चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है एकदम छोटे वाले सीक्वेंस की साड़ी। ओ माय गॉड, दिस साड़ी इज़ रियली रियली प्रेटी एंड क्वालिटी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, देख सकते हो। ये पूरी फुल ऑन सीक्वेंस की आपको ये साड़ी मिल जाती है, छोटे वाले सीक्वेंस लगे हुए हैं इसमें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीक्वेंस हैं। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, जॉर्जेट का फैब्रिक यूज़ किया गया है इसमें। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्लाउज इसके साथ कैरी करना चाहते हो वो पहन सकते हो, लाइक यदि गोल्डन वगैरह इसके साथ पहनना चाहते हो, सिल्वर पहनना चाहते हो, वाइट या ब्लैक जो भी आप पहनना चाहते हो उसके साथ इसे पहन सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ये साड़ी आपको मिल जाती है, 5.5 मीटर की आपको ये साड़ी मिल जाती है। एंड पूरे में आपको इस तरीके का एकदम बढ़िया लाइनिंग वाला पूरा सीक्वेंस मिल जाता है। सीक्वेंस जो लगे हुए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। इसके साथ जो आपको ब्लाउज पीस मिलता है वो मिलता है कुछ इस तरीके का, रॉ सिल्क फैब्रिक का ब्लाउज है ब्लैक कलर का। इसको चाहो तो बनवा सकते हो, नहीं चाहो तो रख सकते हो, कभी और काम आ जाएगा। इसकी प्राइस है ओनली 2200 रुपीज़। इस प्राइस में ये वर्थ करती है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है एक और रेडी टू वेयर साड़ी। अगेन मेरा सजेशन यही है कि आपकी हाइट छोटी है तो आप सिंपल साड़ी पे जाओ, रेडी टू वेयर साड़ी पे मत जाओ। और यदि आपकी हाइट अच्छी है तो डेफिनेटली आप रेडी टू वेयर साड़ी पिक कर सकते हो। एंड ये है वो साड़ी, ओ माय गॉड, ये है लाइक्रा फैब्रिक की साड़ी। बहुत ही कंफर्टेबल है, समर्स में इतना इजीली कैरी हो जाती है, इवन विंटर्स में भी आप इसे पहन सकते हो। इतना सॉफ्ट फैब्रिक है, इवन आपको आयरन भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ऑल द टाइम ऐसे ही रहने वाली है। बस आप हैंगर से लगा के इसे रखोगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। और इसमें भी बेल्ट वाला जो सिस्टम है आपको कुछ इस तरीके का मिल रहा है, हुक्स वाला। आप जहाँ पे भी आपकी वेस्ट सेट होती है वहाँ पे इस तरीके से हुक लगा के आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। एंड बहुत ही खूबसूरत सी ओम्ब्रे टाइप की आपको ये साड़ी मिल रही है, देख सकते हो। ब्लू एंड टील ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में ये साड़ी है एंड पहनने पे भी बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे इसका जो फैब्रिक है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इतना इजी बीजी सॉफ्ट मटेरियल है इसका, इसको पहनना इतना ज़्यादा इजी है और रेडी टू वियर है तो इससे ज़्यादा और भी आसानी हो गई है इसको पहनने में। इसके साथ जो आपको ब्लाउज मिल रहा है वो मिल रहा है ये कॉटन मटेरियल का, इस तरीके का ब्लैक कलर का ब्लाउज 80 सेंटीमीटर का। एंड इसके साथ भी आपको ये बेल्ट मिल जाती है, और ये बेल्ट आती है इस तरीके से प्रॉपर प्लास्टिक में रैप होके, जिससे कि बेल्ट आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और मेरी आपसे सजेशन रहेगी कि आगे से आप इस तरीके की अपनी मेटल बेल्ट्स को रखते भी हो तो संभाल के रखो, इसी तरीके से
से किसी पॉली में रैप करके या किसी और प्लास्टिक वगैरह में अच्छे से। इस साड़ी का प्राइस है गाइज ओनली 2000 रुपीज़। डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इन्हें बाय कर सकते हो। और आप फॉलो कर सकते हो इनको इंस्टाग्राम पे भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। जो भी लेटेस्ट साड़ी वगैरह आती हैं इनके इंस्टाग्राम पेज पे अपडेट हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। और इवन मुझे भी फॉलो कर लो यार इंस्टाग्राम पे, मेरे भी थोड़े फॉलोअर्स बढ़वाओ वहाँ पे। वैसे आपको बता दूँ मेरे इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं। आई एम रियली रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड वहाँ पे मेरी रील्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, इवन कई रील्स वायरल हुई हैं। तो आई विश कि आप लोग भी वहाँ पे आओ और ज्वाइन करो मुझे वहाँ पे, और ब्लेसिंग्स दो अपनी मुझे अच्छी अच्छी। और मिलते हैं गाइस किसी अनदर वीडियो में। आज का वीडियो आई थिंक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कौन सी साड़ी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। स्टाइलिंग से रिलेटेड कौन सा बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और मिलती हूँ गाइस किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए लेती हूँ विदा, बाय।